हेलो किसान भाइयों, तो एक बार फिर से आप सभी का किसान बंधु चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपको चिचली ब्लॉक के अंतर्गत जो गोटी टोरिया है और उसमें जो BLA है उसमें उसको चालू करना स्टार्ट हो गया है। अभी इसका टेंडर वगैरह सब हो चुका है और इस खदान में जो पहले चल चुकी है आज से 7-8 साल पहले इसमें कार्य हो चुका है, लेकिन निकासी जो की जाएगी उसमें किसानों को पर्याप्त मात्रा में नुकसान होगा। और इसका पानी कहां पर ये BLA करेगी, इसका पानी का जो भी उपयोग होगा वो कहां पे होगा और इसका कैसे निष्कासित किया जाएगा, इसे जो आप देख सकते हैं इसमें इतनी मात्रा में पानी भरा हुआ है कि इसको निकालना नामुमकिन सा जैसा दिख रहा है। और अगर इसके पानी को निकालेंगे तो इसको पानी को कहाँ पर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, और अगर निकालते हैं और यह BLA चालू होती है तो इसमें क्या स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी या फिर जो पानी निष्कासित किया जाएगा उसमें किसानों को कितना नुकसान होगा और उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। क्या यह जो कंपनी आ रही है उसके द्वारा किसानों को कुछ मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं। इसी के साथ अगर यह पानी निकाला गया और निकालने के बाद अगर किसानों को नुकसान होता है तो इससे संबंधित हमारे पास कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब कौन देगा हमें, इससे जो रिलेटेड सवाल हैं जैसे कोलवांस का पानी कहां से निकाला जाएगा और अगर इस पानी को निकालेंगे तो कोलवांस से। इसी के साथ क्या कोलवांस चालू होने पर स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाएगा या बाहर के कर्मचारी ही रखे जाएंगे जो अभी NTPC में किया जा रहा है, और अगर क्या किसान संगठन इसका विरोध करेगी जिससे स्थानीय या प्रभावित जो किसान हैं उनको कुछ राहत मिल सके। साथ ही साथ क्या स्थानीय नव युवकों को इसमें नौकरी मिलेगी या नहीं। इसी सभी सवालों को लेकर हम आ चुके हैं आपके बीच में। यह BLA है गोटी टोरिया के अंतर्गत आने वाली, इन्हीं सभी सवालों के साथ हम इस गोटी टोरिया BLA का भ्रमण करेंगे और आपको इन सभी समस्याओं, इसी के साथ इसमें एक समस्या और है, अगर यह BLA चालू होती है तो जो गोटी टोरिया और पीछे के बीच का रोड है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा, और इसके अलावा क्या BLA रोड उनको उपलब्ध कराएगी जनता को। इसी के साथ हम अब हम आगे की जानकारी देंगे शुद्ध बुंदेलखंडी भाषा में। जब हम इस कोलवांस का भ्रमण कर रहे थे तब हमें देखवे कोई काजा मिली भैया जरूर, और जरूर बिल्कुल आवे जावे के लायक नहीं बची है, न तो इतने से ट्रैक्टर निकल सके और न निकल सके एक मोटरसाइकिल वालों। जैसे पहले आप देखा थे कि कोलवांस पहले चल चुकी है तब एक अलग से दीवार बनी थी और जब दीवार है 10-12 फुट और अंदर कर दो है जे की वजह से जब गेल कोलवांस के अंदर आ गई। अब अगर कोलवांस से जब दीवार बंद कर दी जाए जो आगे चल के हमने आप बताई है, अगर जाहे बंद कर दी जाए तो इतने ऐसे किसानों को जो जुड़े हुए किसान हैं बिनको आबो जाबो और बाकी लोकल जनता को आबो जाबो तो बंद हो जाए। का जा में कोलवांस फिर से दूसरी रोड बनवा कर दे है का ना दे है, का जा को कोई विरोध भी कर रहा है, जैसे कोई संगठन है मान लीजिए अपन का किसान संगठन है या फिर कोई से लोकल को जनप्रतिनिधि जा पे कछु विरोध उठे है का, और अगर कोई विरोध उठे है तब ही जद गली बचे भैया, नहीं तो जा गली नहीं बचे, और जा गली ना बची तो इतने को लोकल को आदमी तो हुआ ही हुआ परेशान, दूसरों आदमी और परेशान हुआ। पहले तो जा पैसे आदमी आवे जाओ कर ले तो अब नहीं कर पा जाए। किसान जय हिंद जय भारत भैया।